समर किचन यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आए हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए सेमी का आज हम पुलाव बनाएंगे। चलिए हम गैस की ओर चलते हैं और कढ़ाई रख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 1.5 टेबल स्पून तेल डाल लेंगे और ये कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे 1/2 चम्मच जीरा है, 8 से 10 दाने गोल मिर्च है, 2 लौंग है, 2 छोटी इलायची है और 1 बड़ा इलायची है, 2 तेज़पत्ता है। इसे हम डाल के फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ी देर हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 प्याज कट करके लिया है, इसे डाल लेंगे। साथ में हम इसे मेथी पत्ती डाल लेंगे और इसे मिक्स करके गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे इसे हम। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लेंगे 1 चम्मच। साथ में हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 टमाटर जिसे हमने बारीक कट करके रखा है। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार हम नमक डाल लेंगे इसमें। सभी साइड से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा भुंजा गया है। अब हम इसमें 3 हरी मिर्च डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे सभी साइड से। थोड़ी देर इसे हम भूंज लेते हैं। अब हम इसमें सेमी डाल लेंगे जिसे हमने धोकर रखा था। 1 चम्मच पानी डाल लेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट हम भूंज लेंगे इसे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सेमी अच्छी तरह भुंजा गया है। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं इसे, सभी साइड से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 गिलास चावल लिए थे तो हम इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 1.5 गिलास पानी डाल लेते हैं और इसे उबाल आने के लिए मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम उबाल आने के लिए ढक्कन लगाकर 5 मिनट छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और मसाले में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। जो हम 1 गिलास चावल लिए थे इसे हमने धोकर रख लिया था, अब हम इसे डाल लेंगे। इसे डालकर सभी साइड से मिक्स कर लेंगे। सभी साइड से मिक्स करके इसे पाँच मिनट के लिए हम गैस का फ्लेम तेज रखेंगे और इसे 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं। ये देखिए चावल हमारा पक गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह सभी साइड से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और 5 मिनट इसे और पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारी सेमी का पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए चावल भी अच्छी तरह पक गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये सेमी की पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।